देखिए दोस्तों, आज जो है पूरा मॉडल पेपर के दादा लेकर के आया हूँ। क्या मॉडल पेपर के दादा? विज्ञान साइंस एकदम मॉडल पेपर के दादा। भौतिकी 2 तारीख 2 महीना 2023 याद है ना? एकदम 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 जाना है तो एग्जाम हॉल में एकदम फोर डालना है प्यारलाल। एग्जाम हॉल में हम लोग वही क्लास करेंगे जो आप लोगों को एग्जाम हॉल में एकदम फोर डालने वाला है। क्या फोर डालने वाला है, समझ रहे हो ना? एकदम। तो क्या मेरा आवाज़ आप लोग के पास क्लियर जा रहा है? तो आप लोग यस सर का कमेंट करेंगे, सभी हमारे डिस्टेंस तेजी में आप लोग यस सर का कमेंट करेंगे, है ना? चलिए तेजी में आप लोग कमेंट करेंगे, यस सर आपका आवाज़ आ रहा है, एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सभी हमारे डिस्टेंस तेजी में आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे, सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट तेजी में करेंगे और सभी लोग एकदम एक एक शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ तेजी में। हाँ, सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट आप लोग शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ और तेज़ी में आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? चलिए तेज़ी में, क्या मेरा आवाज़ आप लोग के पास पहुंच रहा है? तो यस सर का कमेंट करें और तेज़ी में, ठीक है? चलिए तो हम लोग अब क्लास शुरू करते हैं, गर्दा मचा देना 2023 एग्जाम में, वही ऑब्जेक्टिव जो 2023 में 100% पूछा जाएगा, ठीक है? चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, एक एक लाइक कर दीजिए और अपने दुश्मनों कहते भैया दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने आप लोग को नए नए दोस्त हैं आप लोग शेयर कर दीजिए, हम भी इधर से शेयर कर देते हैं, जिससे किसी का भी क्लास नहीं छूटे। क्योंकि क्लास यदि छूट जाएगा तो ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है 2023 के लिए, समझ रहे हो ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी का नहीं छूटना चाहिए। और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट आज जो है कम से कम आप लोग 100 से अधिक लाइक एकदम क्रॉस करेंगे आज शुरुआत में ही, हमें आज आशा एवं पूर्ण विश्वास है, ठीक है? तो सभी हमारे डियर स्टूडेंट एकदम घमासान मचा देना 2023 एग्जाम में, हम भी थोड़ा सा शेयर कर देते हैं जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट लोग जुड़ पाएंगे। कोई नहीं कहेंगे कि सर हमारा क्लास छूट गया, आप शेयर नहीं किए, ठीक है? तो सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी एकदम आप लोग फटाफट एकदम एक बार जोरदार शेयर कर देंगे, और एक एक लाइक कर देंगे। आज एकदम 100 लाइक से एकदम क्लास हम लोग शुरू करेंगे। कितना लाइक से? 100 लाइक। जैसे ही 100 लाइक क्रॉस करेंगे आप लोग, वैसे हम लोग क्लास शुरू कर देंगे। आज आज घमासान मचाएंगे और ध्यान से सुनिएगा, इस सेट से आप लोग को टोटल मैं 70 ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। इस सेट से आप लोग को ध्यान से सुनिएगा, 15 ऑब्जेक्टिव आप लोग को, 70 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आप लोग को इसमें से 110% 2023 परीक्षा में देखने को मिलेगा। कितना? 70 में से कितना रहेगा? तो आप लोग को 15 क्वेश्चन आप लोग को, 15 से 20 क्वेश्चन आप लोग को 2023 परीक्षा में 110% आप लोग को देखने को मिलेगा। आज एकदम घमासान मचा देना है, ठीक है? 15 से 20 क्वेश्चन आप लोग को इसी सेट से रहेगा। तो सभी से हम लास्ट में पूछेंगे भी कि बताइए 70 में से कितना करेक्ट हुआ है, सभी से हम पूछेंगे, ठीक है ना? तो सभी स्टूडेंट आप लोग जवाब भी दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है? तो चलिए हम लोग अब क्लास शुरू करेंगे। मात्र आप लोग को 20 लाइक बच गया है, बस जस्ट फॉर 20 लाइक आप लोग कर दें, जस्ट फॉर 20 लाइक आप लोग आगे कर दें। चलिए इमरान जी, चलिए टॉक नायब जी, जेके कृष्ण जी, पूजा जी, अरमान जी, बेबी जी, चलिए भोला जी, चलिए सभी हमारे डियर स्टूडेंट एक बार सभी लोग टॉक नायब जी, पूजा जी, मंटू जी, तरवेज आलम जी, सभी लोग एकदम एक एक लाइक कर दें। बस 11 लाइक बच गया है एकदम। चलिए आप लोग करते रहिए, हम थोड़ा सा इधर बता देते हैं आप लोग को एक बात कि जितने हमारे नए नए स्टूडेंट हैं, यदि आप लोग चाहते हैं कि 2023 परीक्षा में आप लोग 90% हर सब्जेक्ट में लाए, तो मैं आप लोग को शुरुआत में ही बता देता हूँ, ऑल सब्जेक्ट साइंस का 199 में आप लोग को मैं दे रहा हूँ। आप लोग को गारंटी देता हूँ कि 90% यानी कि 450 नंबर अगर आप लोग को लाना है, 400 से 400 के बीच में, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 2023 परीक्षा में आप लोग को झुकेगा नहीं, एकदम गारंटी के साथ। तो मेरा ये नंबर रहा 90 97 0 20 615, ये नंबर मेरा गूगल पे, फ़ोनपे, व्हाट्सअप, सभी नंबर मेरा यही है। अगर आप लोग लेना चाहते हो मात्र 199 में, ठीक है ना, 199 रुपया में ऑफर चल रहा है, तो सभी विद्यार्थी आप लोग लीजिए एकदम 90%, 400 से 450 के बीच में एकदम 100% आप लोग को आएगा। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। चलिए तो ये मेरा नंबर रहा, आप लोग को लेना है तो ले सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन टक्कर देगा आप लोग को 100%। चलिए आप लोग देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सो ध्यान से देखिए। चलिए आप लोग एकदम गर्दा मचा देंगे, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का क्या होता है, तो इसका ट्रिक मैं बताता हूँ। BB, ठीक है, रोए ऑफ ग्रेट, ग्रेट यानी कि 0 1 2 3 4 और यहाँ पर हो गया आप लोग को ग्रीन, हो गया 5, ग्रीन 5 यानी कि लाल का पूछा है, तो रेड में कितना आया है, तो 2। ये ट्रिक है, आप लोग को ट्रिक याद रखना है। कहिए कि सर ये ट्रिक कैसा ट्रिक है, तो BB रोए ऑफ ग्रेट यानी कि ब्लू, ब्राउन, ठीक है ना, रेड, ऑरेंज, येल्लो और ग्रीन,
कभी कभी ग्रीन का पूछता है, तो रेड का पूछा है तो रेड का आप लोगों को क्या हो गया दो, तो जो जो दो की हो सभी का एकदम करेक्ट है, ठीक है, ट्रिक जानते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण आवेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर कि विभव से स्वतंत्रता की ओर, बताइए स्वतंत्र की ओर कि इनमें से कोई नहीं, तो बताइए विभव से स्वतंत्र होता है, तो दो का हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों का एकदम राइट आंसर निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। याद रखेंगे ऋण आवेश का प्रवाह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक तार का प्रतिरोध है इसे खींचकर, ठीक है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। यदि कोई तार है तो तार का व्यास अगर खींचकर आधा कर दीजिएगा तो इसका तार का जो है प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो हमारे डियर स्टूडेंट इसका तार का प्रतिरोध चार गुना बढ़ जाएगा, चार गुना बढ़ जाएगा। याद रखेंगे जब भी एक तार है, जैसे मान लीजिए ये तार है ना, ये बड़ा ये तार हो गया आप लोगों को, ठीक है, ये तार है, अब इसको खींच करके आधा कर दीजिए, इसका व्यास को, व्यास को आधा कर दीजिए तो उसका प्रतिरोध चार गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, आधा करेंगे चार गुना। और ये आप लोग को 2023 लग गया इसमें मॉडल, तो ये 2023 में आप लोग को 100% पूछे जाने की संभावना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, सो एक प्रतिरोध प्रतिरोधक का प्रतिरोध आर है, ठीक है, यह चार प्रतिरोध की श्रेणी में है, तो आरंभ में दोनों प्रतिरोध तुल्य है, ठीक है, तो आरंभिक कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा बताइए, तो आरंभ में दोनों प्रतिरोध तुल्य है, ठीक है ना, प्रतिरोध और चार प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो हमारे डिएशन क्या हो जाएगा, तो वो जाएगा 2R, क्या हो जाएगा 2R, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा आर प्लस आर और बराबर क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आर प्लस आर बराबर क्या हो जाता है 2R। नेक्स्ट देखिए ये भी आप लोग को बोर्ड मॉडल है, 2023 में 100% पूछे जाने की संभावना है। आवेश पुनर्वितरण में क्षय होता है, बताइए किसका क्षय होता है, आवेश का कि ऊर्जा का कि मात्रा का कि इनमें से किसी का नहीं। देखिए आवेश के पुनर्वितरण में किसका क्षय होता है सो पूछा है, तो वो होता है ऊर्जा का क्षय होता है, आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का क्षय हो जाता है, ऊर्जा का क्षय मतलब हानि, ऊर्जा में हानि। नेक्स्ट किसी चालक का संवहन वेग वी डी कह दिया है, आरोपित विद्युत क्षेत्र ई कह दिया है, अब ये दोनों में क्या संबंध है, अब ये दोनों में क्या संबंध है, बहुत बहुत भिविया ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछने वाला है। 6 का भी आप लोग करेक्ट किया ऑप्शन नंबर बी, वी डी समानुपाती ई, किसका मतलब क्या हुआ, यदि संवहन वेग बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, समानुपाती के मतलब क्या होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि दोनों समानुपाती है। नेक्स्ट देखिए ये बहुत बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एक बार जो है बिहार बोर्ड में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, पूछिए कि सर ये कब पूछा है सो बताइए, तो ये 2017 का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा था। प्रत्येक देखिए चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम है, तो सेल द्वारा जारी धारा क्या हो जाएगा, तो जारी प्रत्येक ओम है कितना है 1 ओम है, सभी प्रतिरोध 1 ओम का, ये सभी कितना ओम का है 1 ओम का है, सभी के सभी प्रतिरोध कितना है 1 ओम। अब इसमें धारा का मान पूछ दिया है, ठीक है ना, तो हम आप लोगों को बताते हैं इसका ट्रिक कैसे बनाएंगे, और यहाँ 20 वोल्ट दे दिया है और धारा पूछ रहे हैं, यानी कि आई बराबर क्या होता है, वी बटे आर होता है, वी बटे आर होता है ना एकदम, तो वी बटे आर होता है, तो 7 का आप लोग कर बताइएगा, तो कहिएगा कथी कथी क्या कहिएगा, देखिए आप लोगों को कितना है 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम है ना, 4 ओम। अब वी का मान कितना है 20, तो ऊपर 20 रखेंगे, प्रतिरोध कितना आ गया 4 ओम, तो 4 ओम तो 4 से काट दीजिए, कितना एम्पियर आएगा 5 एम्पियर, धारा का मान 5 एम्पियर, तो जो जो हमारे डिएशन चार मतलब कि जो 5 चौका 20 कटा ना, तो 4 एम्पियर 5 एम्पियर की है, सभी का करेक्ट है 5 एम्पियर। देखिए इसका सॉल्यूशन हम करके बता दिए इसलिए कि आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कब बढ़ता है, कोई भी चालक हो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है, तापमान बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, कि लंबाई घटने से, कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से। देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा, तो ये आप लोगों को पता ही है कि ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ताप बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना, ऑटोमेटिक ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, चालक का और चालक का प्रतिरोध घट जाता है, और चालक में घट जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें भी आप लोग वीवीआई लगा लेंगे, ये भी आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन एकदम, किसी वस्तु पर आवेश न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, कितना से कम नहीं हो सकती है, किसी भी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, कितना कम नहीं हो सकती है, कितना से, तो वो जो है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, यही तो मेन मान है। एक देखिए एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, अब एक इलेक्ट्रॉन का वही मान है, इससे तो कम हो ही नहीं सकता है, एकदम याद रखेंगे हमारे सभी डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट देखिए,
आप लोग को यदि पीडीएफ नोट्स लेना है 100% टक्कर के लिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल के लिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टोटल के लिए अगर लेना है तो मेरा यह गूगल पे फोन पे का नंबर दे दिया गया है, अगर लेना है तो ले सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। आप लोग को मैं इतना दवा करता हूँ कि 90 नंबर झुकेगा नहीं, ऑल टू ऑल क्वेश्चन आंसर यही से रहेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लेना है तो ले सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण होता है कितना होता है। देखिए जब भी आप लोग को एग्जाम हॉल में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कहेगा, टेंजेंट मतलब क्या होता है, टैन, टैन होता है। अब टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का मान कितना होना चाहिए, तो जब भी आप लोग को टेंजेंट का चर्चा करेगा तो पाई बाई फोर करना है, क्योंकि टेंजेंट का मान एक होता है, क्या होता है, एक। एक कितना होता है, कितना टैन का मान होता है, तो पाई बाई फोर का मान होता है, याद रखना है। जब भी आप लोग को टेंजेंट कहेगा पाई बाई फोर, यानी कि उसका मान एक आना चाहिए वैल्यू। और ये 2023 एग्जाम में आप लोग को 110% पूछा जाएगा, यहाँ पर देख रहे हो। चलिए आगे की ओर, नेक्स्ट बहुत बहुत वीवीआई, इसमें भी वीवीआई लगा लेंगे। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है कितना होता है। देखिए विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में कितना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4.78 × 10⁻¹० होता है, कि +1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, कि 2.99 × 10⁻¹⁹ होता है, कि −1.6 × 10⁻¹⁹ होता है। तो हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों का एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आया है, 4.78 × 10⁻¹⁹ होता है, एकदम राइट आंसर। क्यों आप लोग गर्दा मचा दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम आवेश बराबर होता है कितना होता है। तो 1 कूलम आवेश यानी कि 1 कूलम आवेश बराबर कितना ईएसयू होता है। तो सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का एकदम करेक्ट होना चाहिए, 3 × 10⁻¹⁹ ईएसयू, 3 × 10⁻¹⁹ ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कोई कहिए कि सर ईएसयू का पूरा नाम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, माने कि वैद्युत, ठीक है ना, स्थिति की इकाई। चलिए आगे की ओर, कूलम बल है केंद्रीय बल है कि विद्युतीय बल है, कि दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं है, कूलम बल इनमें से कौन सा है, सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट करेंगे। तो जो भी 13 का किए हैं, दोनों कूलम बल केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है, जो जो हमारे प्यारे स्टूडेंट किए हो सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कर रहे हमारे डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आवेश बी एवं सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारे डियर स्टूडेंट बात समझिएगा, देखिए ए और बी आकर्षित करते हैं, बी और सी करते हैं, यानी कि ए का संबंध जो है, ए का संबंध किससे हो गया, तो सी से हो गया, और बी का संबंध बी से है, बी का संबंध बी से है, तो यानी कि आप लोग क्या करें, ए एवं सी क्या है, तो ए एवं सी क्या है, तो ए एवं सी क्या है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग को, ये प्रतिकर्षित होंगे एक दूसरे से, एक दूसरे से क्या होंगे, प्रतिकर्षित, क्योंकि दोनों समान आवेश, देखिए समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना, समान आवेश ये दोनों है, दोनों के बीच प्रतिकर्षण, अगर एक प्लस एक माइनस होता आकर्षण हो जाएगा, एक अगर माइनस हुआ एक प्लस हो तो ये क्या हो जाएगा, आकर्षण। तो यहाँ पर क्या करा है, ए और सी दोनों समान आवेश है, तो दोनों जब समान आवेश है तो वहाँ पर प्रतिकर्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ये आप लोग वीवीआई लगा लेंगे, इसमें वीवीआई लगा लेंगे 2023 में, आप लोग को ये पूछा जाएगा एकदम 110%, ठीक है ना, 2023 में। क्या करें, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है कितना होता है, बहुत बहुत वीवीआई, एकदम वीवीआई में भी वीवीआई लगा लेना आप लोग को, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। 15 का एकदम आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर है, क्या होता है, 1.8 × 10⁻¹⁹ कूलम प्रति केजी होता है, ठीक है ना, 11 कूलम प्रति केजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे सभी डियर स्टूडेंट का, ऑप्शन नंबर ए। तो जो जो की है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 × 10⁻¹⁹ कूलम प्रति केजी, सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट, शक्ति रहित धारा का परिपथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शक्ति रहित, रहित मतलब क्या होता है, उसमें शक्ति है ही नहीं, शक्ति रहित मतलब क्या होता है, उसमें शक्ति है ही नहीं, तो शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा तो शुद्ध प्रतिरोधी कि शुद्ध धारतीय कि शुद्ध प्रेरक, ठीक है, कि ए एवं बी दोनों, बताइए ए एवं बी दोनों, तो इसमें वीवीआई लगा लेना है सभी हमारे डियर स्टूडेंट को। चलिए 16 का सभी हमारे प्यारे विद्यार्थियों का एकदम शुद्ध धारतीय हो जाएगा, शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा तो शुद्ध धारतीय वाला होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में एकदम पूछेगा आप लोग को। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है कौन सा है, किसी भी वस्तु का आवेश का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कि प्रोटॉन का स्थानांतरण कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण,
कि न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, कि इलेक्ट्रॉन का, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कभी भी आवेश उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही कोई भी वस्तु पर आवेश का कारण बनता है या उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, कभी भी आवेश उत्पन्न की चर्चा करेगा आप लोग को इलेक्ट्रॉन ही मारना है हर संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हमारे डियर स्टूडेंट, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी असंरक्षी, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, कि इनमें से कोई नहीं। बहुत बहुत वीवीआई, इसमें भी वीवीआई लगा लेंगे, ठीक है। और कमेंट सभी लोग कीजिए, आरबीएम जी, भोला जी, मंजय जी, कमलेश जी, इरफान जी, चलिए शुभम जी, मंटू जी। और कल सुबह में आप लोग को 7 बजे वाला लाइव क्लास चलेगा, ठीक है। कल सुबह में भी 7 बजे वाला लाइव क्लास आप लोग को चलेगा, क्योंकि 2 दिनों से नहीं चल रहा था इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण। तो क्या होता है, 18 का सभी का एकदम करेक्ट है, संरक्षी। क्या हो जाएगा, मंटू जी बहुत बढ़िया, आस्था जी, आर एस जी बहुत बढ़िया एकदम, प्रिंस कुमार राज जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा डियर स्टूडेंट, देखिए जब भी आप लोग को देगा एक पिन पर आवेश लिखा जाता है क्यू बराबर एन ई, जहाँ ई के मान हो गया 1.6×10⁻¹, तो एन का मान कौन हो जाएगा। तो देखिए हमारे डियर स्टूडेंट, एन का मान हमेशा क्या होता है, एन का मान होता है क्या, पूर्ण संख्या होता है। आ यही आवेश का क्वांटमीकरण है, आवेश का क्वांटमीकरण का वैल्यू यही है। तो होता है प्लस माइनस वाला होता है, क्या होता है, प्लस माइनस वाला होता है, 0, ±1, ±2, ±3, समझ रहे हो ना, एकदम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का क्वांटमीकरण आप लोग को याद रखना है, 2 नंबर वाला में इस बार पूछेगा। एक ही पदार्थ के 2 धातु के गोले ए तथा बी दिए गए, एक पर प्लस क्यू आवेश है तो दूसरा पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, द्रव्यमान किसका बढ़ेगा, तो जिसका माइनस होगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जिसका प्लस होगा उसका द्रव्यमान घट जाएगा। तो इसमें ए पर है क्या प्लस, और बी पर क्या है तो माइनस, यानी कि बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बढ़ेगा। जिस पर माइनस चार्ज होता है वह उसका द्रव्यमान हर संभव बढ़ते जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत बहुत वीवीआई, ये देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, क्या है न्यू, ठीक है, ये न्यू सेलेक्टेड क्वेश्चन है। क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, देखिए चित्र में सीधी तार में प्रवाहित धारा आई का मान कितना दे दिया है, 50 एम्पियर, और लूप का वेग दे दिया है, वी का मान दे दिया है 10 × 10 एम्पियर मीटर प्रति सेकेंड, और जब एक्स का मान यानी कि दूरी का मान इतना, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा 21 का, तो वो हो जाएगा 1.7×10⁵5 वोल्ट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग को सॉल्यूशन करके हम डाल देंगे कल। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन जो आप लोग को जो लग गया यहाँ पर 2023, ये आप लोग को 2023 परीक्षा में 100% एकदम देखने को मिलेगा। चलिए बीके जी, डॉली जी, मंटू जी, राजू जी, आरबीएम जी, भोला जी, सरोज जी, साहबू जी, तेजी में देखिए, ये 2023 लग गया, समझिए 2023 में एकदम चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो चोक कुंडली कह रहा है पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, तो चोक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है 1, यानी कि कॉस फाई का मान जो होता है 1 होता है। शक्ति गुणांक का हम लोग फॉर्मूला कहते हैं कॉस फाई, कॉस फाई को हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं, याद रखेंगे सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो उसका होता है आप लोग को 22 का 1 मिनट, नहीं 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 22 का आप लोग को 0 हो जाएगा, ठीक है। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 हो जाएगा, 0 मिस्टेक कर दी, तो हम ध्यान नहीं दिए, वो हम दूसरा का देख लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा मैं प्यार विद्यार्थी, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। देखिए इसमें जो है आप लोग को 2 पूछता है क्वेश्चन, एक सीआर का पूछता है और एक एलसीआर, 3 क्वेश्चन आप लोग को पूछता है, तीनों मैं अभी बताऊंगा, और तीनों यदि आप लोग याद कर रही है तो एग्जाम में एकदम 2 नंबर फिक्स है। अभी एक होता है एलआर, एक होता है सीआर, एक होता है एलसीआर। तो चलिए मैं तीनों फैक्ट मैं आप लोग को समझा देता हूँ। सबसे पहले एलआर का शक्ति गुणांक का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, सी हो जाएगा। प्रतिबाधा पूछेगा तो आप लोग को केवल ये हो जाएगा, एलआर परिपथ का प्रतिबाधा ये, आर को हटा दीजिए तो प्रतिबाधा हो जाएगा, ठीक है। यदि हमारे डियर स्टूडेंट सीआर का पूछ दे तो क्या हो जाएगा, सीआर का अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे करेंगे रूट अंडर आर के स्क्वायर प्लस 1/ω² सी स्क्वायर, ये प्रतिबाधा हो गया। शक्ति गुणांक कहेगा तो ऊपर आर लगा देना है, ठीक है। चलिए एकदम शानदार है, सो नेक्स्ट बहुत बहुत वीवीआई, इसमें सभी हमारे डियर स्टूडेंट वीवीआई लगा लेंगे 2023 के लिए। 1 एम्पियर परास के 1 एमीटर के प्रतिरोध 0.9 ओम है,
इसका प्रयास 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक संट का मान क्या हो जाएगा, यानी कि आप लोगों को संट एस का मान पूछा है, एस का मान, तो संट का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए जब भी आमीटर का प्रतिरोध अगर 0.9 ओम होगा और इसमें एम्पियर जो है प्रयास एम्पियर 10 एम्पियर का प्रवाहित कर देवे, तो इसमें संट का मान क्या हो जाएगा, संट भी एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, तो 24 का हमारे सभी डियर स्टूडेंट 0.1 हो जाएगा, बहुत धन्यवाद, शानदार आंसर किया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए बहुत बहुत ही है, प्रेरण सदिश से 30 डिग्री सेल्सियस पर एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा हमारे प्यारे स्टूडेंट, प्रेरण सदिश से 30 डिग्री सेल्सियस पर एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या हो जाएगा, तो उसका पथ क्या हो जाएगा 25 का हो जाएगा हेलिकल, उसका पथ क्या हो जाएगा हेलिकल, ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। प्रेरण सदिश वाला 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या हो जाएगा, तो हेलिकल पथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेलिकल, इसको आप लोग को हर संभव याद रखना है 2023 एग्जाम के लिए, ठीक है ना, ये न्यू सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जब माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई दी जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो जब भी माइक्रोस्कोप का अगर लंबाई बढ़ा दीजिएगा तो उसका आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाता है, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का, ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी का अगर नली की लंबाई बढ़ा दीजिएगा तो उसका आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, चलिए प्रजापति जी, लवकेश जी, गिल्लू जी, पंकज जी, तेजी में मंटू जी, तेजी में आप लोग कमेंट करेंगे, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर या मिरिक मरीचिका कहेगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप लोगों को करना है, ठीक है, और आप लोगों को कमेंट करते रहना है, आस्था जी, पवन जी, सिद्धांत जी, अरविंद जी, कमेंट जरूर कीजिए, कुछ कीजिए नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना, चलिए, और लाइक कीजिए नहीं, लाइक करने की इच्छा हो तो आप लोग लाइक एक कर दे। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, देखिए बहुत बहुत वीवीआई, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है बताइए, तेजी में आप लोग बताएंगे, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, चलिए तेजी में बताएंगे, तो 28 का हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों का एकदम करेक्ट है, काल्पनिक एवं उल्टा कैसा बनता है, तो काल्पनिक एवं उल्टा बनता है, सभी हमारे डियर स्टूडेंट का एकदम करेक्ट आंसर आया है, गजब का आंसर किया आप लोग एकदम 28 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में जल के अणु की घूर्णी आवृत्ति है कौन सा है, परावैगनी क्षेत्र में है कि अवरक्त क्षेत्र में है कि माइक्रो तरंग क्षेत्र में है कि दृश्य प्रकाश में है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाद्य पदार्थ जैसे जितने खाने पीने वाला पंकज जी, प्रजापति जी, तेजी में साहुल जी, तेजी में अहिरन जी, गिल्लू जी, अभय गुप्ता जी, तेजी में जेके क्रिएशन जी, आप लोग गर्दा मचा दीजिए, सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट गर्दा मचा देना 2023 एग्जाम में। 29 का आप लोग का एकदम राइट आंसर, माइक्रो तरंग यानी कि सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में, देखिए हम लोग जो खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं खान पान, उसका जो है जल के अणु के साथ घूर्णी आवृत्ति जिसमें जो काम करता है वह सूक्ष्म तरंग होता है, क्या होता है सूक्ष्म तरंग होता है, बहुत बढ़िया एकदम, आरबीएम जी, लालू जी, धर्मपाल जी, साबू जी, आप लोग सूरज भाई जी, तेजी में कमेंट करते रहेंगे। अब ये देखिए, ये आप लोग या इसमें वीवीआई लगा लेंगे, इस क्वेश्चन में वीवीआई लगा लेंगे, वाला में 30 नंबर में वीवीआई लगा लेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई है तो शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा, तो जैसे आप लोगों को एग्जाम हॉल में शक्ति गुणांक देगा जहां पर कॉस फाई दिखेगा, केवल आप लोगों को शक्ति गुणांक देखेंगे ऑफ क्वेश्चन में, और कॉस फाई जैसे ही दिखेगा उसी को एकदम कलर कर देना है, ठीक है, और ओ एम आर सीट घसने का ट्रिक मैं बता चुका हूँ आप लोग कैसे कैसे घसना है इसको। अब देखिए ये 2023 एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है, जहाँ लग गया 2023 समझिए कि 110% एकदम पूछेगा। चलिए साइलेंट जी, बीके भाई यादव जी, रॉक स्टार जी, तेजी में शिक्षा कुमारी जी, तेजी में किसकी महत्तम भेदम क्षमता होती है, महत्तम भेदम क्षमता किसकी होती है, तो गामा किरण की, और गामा किरण की महत्तम भेदम क्षमता तो होती ही है, और गामा किरण किसके लिए किसके तरह मतलब रहता है इसका व्यवहार, तो एक्स किरण की तरह रहता है, याद रखेंगे गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, लेकिन गामा किरण का लक्षण कैसा होता है, तो एक्स किरण की तरह। नेक्स्ट, किसी चुंबकीय विकिरण ऊर्जा 13.2 केल्विन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यह विकर्ण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह कौन सा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हमारे प्यार लाल ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कम से कम 4 बार पूछा है, ये मॉडल पेपर है ना, ये इस मॉडल पेपर वाला जो ये वाला क्वेश्चन 4 बार बिहार बोर्ड में पूछा है, लेकिन 2021 में और 22 में नहीं पूछा, यानी कि 2023 में आप लोग को पूछने की संभावना है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा हमारे सभी डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आप लोग को 13.2
केल्विन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो किए हैं हमारे सभी डिएशन 32 का बी एक्स किरण, एक्स किरण जो जो किए सभी का एकदम 110% एकदम करेक्ट है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है हमारे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए क्या करा है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तत्कालिक मान एसआई मात्रक में समीकरण आई द्वारा दर्शाया जाता है इतना इतना, आई बराबर 10 sin into 100 pi t, ठीक है ना, का शिखर मान क्या हो जाएगा, इसका शिखर मान क्या हो जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें वी वी आई लगा लेंगे 33 में, ये हो जाएगा आप लोग को 10 एम्पियर, क्या हो जाएगा 33 का आप लोग जो जो 10 एम्पियर किए हो सभी हमारे डियर स्टूडेंट का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चलिए गुड लाइफ जी, चंदन जी, स्वाति जी, तेजी में, साइलेंट जी, रंजन जी, पवन जी, सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट एक एक लाइक भी करते रहेंगे, ठीक है। क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, जब किसी ए मीटर को संट किया जाता है तो परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होता है, जब भी कोई भी ए मीटर हो तो उसमें संट लगा दिए, कोई भी परिपथ हो उसमें ए मीटर लगा हुआ है और उसमें फिर से संट लगा दीजिए, संट मतलब एस, संट लगा दिए तो उसका कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि स्थिर रहता है, तो उसका कुल प्रतिरोध घटता है, जैसे ही संट का उपयोग करेगा घट जाता है प्रतिरोध, संट लगाने से प्रतिरोध घटता है, याद रखना है सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से, क्या करें, दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है कैसा बल, जब भी दो आवेशों का गतिशील आवेश तो दोनों के बीच में कैसा बल है, केवल कूलम बल कि विद्युतीय बल, चुंबकीय बल कि नाभिकीय बल कि इनमें से कोई नहीं, तो देखिए भाई डियर स्टूडेंट, जब भी दो गतिशील आवेश होगा उनके बीच जब बल लगेगा तो कैसा, तो केवल विद्युतीय एवं चुंबकीय दोनों हो जाएगा, विद्युतीय एवं चुंबकीय दोनों बल लगेगा, विद्युतीय एवं चुंबकीय दोनों बल लगेगा, ठीक है हुसैन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आप लोग को देखिए, ये बिहार बोर्ड में अभी तक एक बार पूछा है, अभी तक मात्र पूछा है, इसको याद कर लेना आप लोग को, कैसे याद करना है देखिए, एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसे प्रवाहित धारा 0.40 एम्पियर है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, तो कुंडली के क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, 36 का आप लोग करेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो 36 का आप लोग हो जाएगा 3.1 × 10⁻⁴ टेस्ला, 3.1 × 10⁻⁴ टेस्ला, तो जो जो कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सभी का एकदम अबके पंचाने पार। अब ये देखिए, ये वी वी आई है 37 का आप लोग वी वी आई लगा लेंगे 37 में, 37 नंबर क्वेश्चन 2023 में आप लोग को 100% देखने को मिलेगा। क्या करा है, एक गर्म तार ए मीटर मापता है, किसको मापता है, तेजी में, नेहा जी तेजी में, राहुल जी, आजाद जी, भोला जी, प्यारलाल, झुकेगा नहीं, एग्जाम हॉल में जब आप लोग बैठेंगे तो ऑप्शन देखते ही लगना चाहिए कि हाँ सर ये ऑब्जेक्टिव बताए थे इसी को एकदम फोर डालना है, सर इसी को बताए थे एकदम इसी को फोर डालना है, तो वो मापता है किसको, तो प्रत्यावर्ती धारा का किसको, तो मूल माध्य वर्ग मान को, ठीक है, गर्म तप्त तार एमीटर किसको मापता है, तो एकदम ऑप्शन नंबर जो जो की हमारे डी स्टेट सभी का एकदम करेक्ट आंसर है, ऐसे आप लोगों को 2023 परीक्षा में जाकर के फोर करके आना है, किसको, तो ऑब्जेक्टिव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा डी स्टेट, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे हमारे सभी प्यारे विद्यार्थी, क्या करें, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, का एसआई मात्रा क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रा क्या होता है, वी वी आई लगा लेंगे, अन्योन्य प्रेरण का है या स्वप्रेरण का है, ठीक है, सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट एक बार जोरदार एकदम एक एक लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलिए एक बार कमेंट करेंगे, एक एक लाइक कर दे सभी हमारे डी स्टूडेंट, मंटू जी, नीरज जी, गिल्लू जी, एडी जैन जी, चलिए बहुत बने, उज्ज्वला सिन्हा जी, रॉक स्टार जी, नेहा जी, तेजी में, चलिए एक और मैं आप लोग को बात भी बता दूंगा, केवल आप लोग एक लाइक करें, ठीक है, तो हेनरी, ठीक है, हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी, और एक और बात, म्यू नोट का मान क्या होता है, तो कितना होता है, 4 π × 10⁻⁷ हेनरी मीटर इन्वर्स, ठीक है ना, ये याद रखना आप लोग को, ये पूछता है मीटर हेनरी इन्वर्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप लोगों को एक बात भी बताने वाले हैं, ये आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, देखिए जो जो विद्यार्थी 2023 एग्जाम में अगर 450 से 450 के बीच में अगर आप लोग नंबर उखाड़ना चाहते हैं वाकई में एकदम 110%, तो ऑल टू ऑल क्वेश्चन मेरा टक्कर देगा आप लोगों को, 199 रुपीज़ हम लोग रखे हैं, अगर लेना है तो ले सकते हो, मेरा ये नंबर है 90 97 020 615, अगर लेना है तो ले सकते हो, पूरा ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साथ में 5 प्रैक्टिस सेट और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग को ज्वाइन कराया जाए लास्ट एग्जाम के लिए, अंतिम अंतिम तक आप लोग को सहयोग किया जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या करा डी एस, ध्यान से देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव जो है, एक सुचालक छड़ को नियत वेग वी वेक्टर से किसी चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर में घुमाया जाता है,
तो क्षर के दोनों सिरों के बीच विभांतर का मान क्या हो जाएगा? देखिए इसमें सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी इसमें वीवीआई लगा लेंगे, ठीक है सभी लोग, क्या हो जाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक दूसरे के क्या होता है? समानांतर होता है। तो जो जो हमारे प्यारे विद्यार्थी किए हैं 39 का, क्या किए हैं 39 का, एकदम राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को, करेक्ट किए हो सभी का, एकदम गर्दा गर्दा कर दिए हो। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए गजब 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 की हो। देखिए एक दूसरे के क्या होता है? लंबवत होता है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, एक दूसरे के लंबवत होता है, इसमें समांतर को दर्शाया गया, एक दूसरे के लंबवत होता है। नेक्स्ट क्या करा डिएशन? देखिए जो 23 लग गया एकदम 100% 2023 परीक्षाएं पूछेगा। यदि समान फोकस दूरी एफ के दो संपर्क में ठीक है समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो समतुल्य फोकस दूरी क्या हो जाएगी 2023 में एकदम पूछेगा आप लोगों को, जो लग गया सो लग गया, तो क्या हो जाएगी? तो जब दोनों को समतुल्य कीजिएगा, जोड़िएगा, तो यानी कि आप लोगों को क्या करा है, हाँ प्रधान अक्ष पर रख दिया जाए तो दो संपर्कित लेंसों को, तो उसका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आप लोग का एकदम राइट आंसर आप लोग की हो 40 का सी नंबर, एफ बाई टू हो जाएगा, एकदम राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? एक लूप का चुंबकीय आघूर्ण एम है, यही टॉर्क या बॉल आघूर्ण पूछ रहा है, ठीक है। आरोपित एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी से कुछ थीटा कोण पर डिस्ट होता है तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है? तो हम क्या याद कराए थे, इसका ट्रिक क्या बताए थे? एम बी, क्या याद रखा है? एम बी, क्या याद रखा है? एम बी, आप लोग जो डाटा भरवाते हैं ना एम बी, उसी तरह से आप लोग रखना याद, एम बी एम बी, ठीक है। एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो जो जो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किए, लालू जी, सूरज जी, चलिए गर्दा मचा दियो, कुमारी जी, आस्था जी, गुड लाइफ जी, आकाश जी, पिंकी जी, बहुत बढ़िया एकदम सभी का एकदम करेक्ट, ए सी लवर जी, बीके जी, बेबी वाई बाई इमरान जी, रॉक स्टार जी, मंटू जी, हुसैन जी, बहुत बढ़िया डोली जी। नेक्स्ट क्या कर रहा है? लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है मंटू जी? तेजी में आप लोग हमारे डियर स्टूडेंट एक एक लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट, सभी हमारे डियर स्टूडेंट तेजी में। तो लॉरेंज बल का सूत्र कौन सा है? एकदम राइट आंसर आना चाहिए सब, बहुत बढ़िया सभी का एकदम करेक्ट है। ऐसे ही आप लोग 2023 एग्जाम में यदि आप लोग घमासान मचाएंगे तो अब की बार पंचाने पर झुकेगा नहीं पैरलाल, 110% आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोग एग्जाम हॉल में एक भी इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। आप लोग ऐसे ही करते रहिए, लॉरेंज बल एकदम करेक्ट की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? देखिए डियर स्टूडेंट ये न्यू सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें आप लोग वीवीआई लगा लेंगे, जो भी न्यू क्वेश्चन, देखिए आप लोगों को पढ़ना क्या है, न्यू क्वेश्चन, तो जो भी न्यू क्वेश्चन है उसमें वीवीआई लगा लेना है, क्या कर देना है वीवीआई। तो देखते हैं भोला जी, चलिए तेजी में आप लोग करेंगे कमेंट, तेजी में गुड इवनिंग एलोन बॉय जी, चलिए चलिए क्या कर रहा है? यदि एक आदर्श परिनालिका को इसकी लंबाई के लंबवत तल से काट दिया जाए, ठीक है ना, लंबवत तल से काट दिया जाए तो इसके अक्ष पर, अक्ष के छोर पर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या हो जाएगा? यदि उसके लंबाई के तल के लंबवत अगर उसको काट दीजिएगा तो उसके अक्ष के छोर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा जब काट दीजिएगा? तो 43 का आप लोग का हो जाएगा, हमारे डीएसएन 43 का हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, म्यू नोट एन आई, एकदम राइट है सर हमारे प्यारे स्टूडेंट, गर्दा मचाती हूँ आप लोग ऐसे ही करते रहिए अर्चना जी, चलिए एकदम सरोज जी, भोला जी, सुप्रिया जी, एस के मेहता जी। नेक्स्ट रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है किसमें होता है? रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है किसमें? आइनोस्फीयर में से कि स्ट्रेटोस्फीयर से कि ट्रोपोस्फीयर से कि इनमें से कोई से नहीं, चलिए तेजी में। और हाँ सब्जेक्टिव अभी आप लोग को बना करके हम लोग प्लेलिस्ट बना रहे हैं 2023 के लिए, तो प्लेलिस्ट पर आप लोग को टोटल सब्जेक्टिव देखना है, एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में उससे बाहर नहीं पूछेगा। तो बताइए रेडियो तरंग के लिए हम लोग कहाँ? तो आयनोस्फीयर, आयन मंडल के परावर्तन से, आयन मंडल के परावर्तन से, आजाद जी याद रखना है शिवानी जी, चलिए सभी हमारे डीएसएन, बस आप लोग को ज़्यादा नहीं 20 लाइक और आगे की ओर कर देना है, ठीक है, जो जो हमारे डीएसएन 20 लाइक कर देंगे। स्काई वेव संचार आधारित है किस पर आधारित है? स्काई वेव संचार आधारित है किस पर? देखिए वही क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, अभी हम तुरंत बताएं इसका आंसर, पिछला क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ था, आयन मंडल के, बहुत बढ़िया एकदम शानदार आंसर की हो, आयन मंडल के क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आयन मंडल के परावर्तन से, आयन मंडल के परावर्तन से ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों को 2018 में पूछा था, 2018 में ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना, 2018 में, ऐसे हो सकता है तो चार साल बाद पाँचवा साल में पूछ दे ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये सही मात्रक तो आप लोग जूल जानबे करते कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक जूल होता है,
में क्रमशः जर्मेनियम एवं सिलिकन के में बैंड रिक्तता कितना होता है। तो सिलिकन एवं जर्मेनियम में बैंड का जो होता है बैंड चौड़ाई का रिक्तता कितना होता है, तो 0.7 एवं 1.1 का होता है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूरा नाम पूछ दिया है LED, इसको हम लोग कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड इसका उपयोग भी देखिए दो नंबर वाला में पूछ देता है, एक साल पूछ चुका है, पाँच नंबर वाला कि LED क्या है, इसका उपयोग लिखे। तो इसका उपयोग जो होता है हम लोग बल्ब में करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, बहुत सारे कैलकुलेटर में करते हैं, TV में करते हैं, मोबाइल में करते हैं, याद रखना है। तो उत्क्रमण अभिनति होता है, क्या होता है, तो देखिए इसका नाम है प्रकाश उत्सर्जित होता है, क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। LED में क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। हाँ चलिए, प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता है, सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहे भाई प्यारे स्टूडेंट, देखिए ये सभी मॉडर्न फिजिक्स से ऑब्जेक्टिव है। ये वाला गैप GAP गैप संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो लाल और हरा की लाल और पीला की लाल और बैगनी की इनमें से कोई नहीं। चलिए हमारे सभी डियर स्टूडेंट तेजी में करेंगे, 48 का सभी का एकदम करेक्ट होना चाहिए। 48 का हो जाएगा ए, लाल और हरा। देखिए पूछेगा ना गैप GAP संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश कैसा प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो लाल और हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है गैप से। याद रखेंगे हमारे डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। जो भी नया क्वेश्चन आप लोग को आएगा हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग को एकदम गर्दा गर्दा मचा देना है, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, परिवर्तित कर देखिए सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, सौर सेल की शुष्क सेल की संचायक सेल की बटन सेल। तो हमारे सभी डियर स्टूडेंट एकदम करेक्ट हैं कि हमको आशा एवं पूर्ण विश्वास है। चलिए सिद्धू जी, राजू जी, आकाश जी, चलिए पंकज जी, चलिए बहुत बढ़िया, भोला जी, एलोन बॉय जी, पिंकी जी, गजब गजब, उज्ज्वला सिन्हा जी, सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा यानी कि सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्या करा डी एस क्या करा है, ध्यान से देखिए, आवर सारणी के तृतीय ग्रुप के तत्वों के अपद्रव्य द्वारा जर्मेनियम या सिलिकॉन, तृतीय ग्रुप मतलब समझते हैं ना वर्ग 13 के तत्व मिला दिया जाए, तो वर्ग 13 यानी कि त्रिसंयोजक पी प्रकार में होता है, किस में होता है, पी प्रकार में, और एन प्रकार में होता है पंच वर्ग वाला यानी कि वर्ग 15 के तत्व, यानी कि उसमें तृतीय करा इसमें पंच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंच, एन प्रकार में पंच, इसका तो ऑप्शन नंबर तृतीय का है, तो पीए हो जाएगा, ठीक है ना, पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डी स्टेंट, अब तो मजा आने वाला एकदम ऑब्जेक्टिव है, अब तो ऑब्जेक्टिव पूछने वाला था, वो आ ही रहा है सामने में, अब देखिए यही सब तो ऑब्जेक्टिव है जो आप लोग को 2023 एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया अभिषेक जी, राजू जी, चलिए बहुत बढ़िया एकदम। हाँ क्या करा है, भू तरंग संचरण की प्रमाणिक आवृत्ति परास कितना है, भू तरंग संचरण की प्रमाणिक आवृत्ति परास कितना है, 51 का बताइएगा, तो 51 का आप लोग कहेगी सर 1 से छोटा या बराबर मेगा हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 25 का दशमिक जो है उसका द्विआधारी क्या हो जाएगा, तो 25 का हम लोग बनाइए लेते हैं, ठीक है ना, 25 का हम लोग बनाइए लेते हैं, तो 25 का हम लोग बना लेते हैं, तो क्या कहता है, 2 से लगाइए तो शेषफल 1 आएगा, 12 दूना 24, फिर 2 से लगाइए 6 दूना 12 शेषफल 0, फिर 2 से लगाइए 3 दूना 6 शेषफल 0, फिर 2 से लगाइए यहाँ 1 यहाँ 0 सॉरी 1 होगा 1 शेषफल 1, फिर यहाँ 2 से लगाइए 0 1, यानी कि 1 देखिए नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं 1 1 0 0 1, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो जो हमारे प्यारे विद्यार्थी किए हैं सभी का एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिए ये सभी आप लोग को देखिए लॉजिक गेट से आप लोग को 5 नंबर में या 2 नंबर में लॉजिक गेट और बाइनरी और आप लोग को कलर पूछता है ना, लाल रंग का मतलब क्या होता है, कितना होता है अंक, ठीक है ना, ये टोटल मिलाकर आप लोग को 10 नंबर का पूछता है। तो मैं एक वीडियो आज रात को बनाऊंगा और कल सवेर में आप लोग को 1 बजे कल सवेरे 1 बजे यानी कि सुबह दोपहर में 1 बजे अपलोड कर दूंगा। और सुबह में तो लाइव क्लास चलता है, तो लाइव क्लास सुबह में आप लोग को केमिस्ट्री चलता है, रात को फिजिक्स चलता है, और दोपहर में आप लोग को 1 बजे वीडियो अपलोड होता है। तो लॉजिक गेट वाला जितना है ना 10 नंबर उस वीडियो से आप लोग को आ जाएगा। केमिस्ट्री का जो है अभी मैं अपलोड किया हूँ, अब फिजिक्स का भी अपलोड कर दूंगा। देखिए सामान्य के लिए जानबे करते न्यूनतम दूरी क्या होता है, 2023 में पूछेगा,
तो समझने के लिए आप लोग जानवे कहते हैं 25 सेंटीमीटर, ये तो कुछ कहने की बातें नहीं, आप लोग दसवां से रटे हुए हैं, वो तो रटा गया क्वेश्चन, बार बार पढ़ना मतलब रटा जाना। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है क्या होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी एकदम तेजी में करेंगे। गिल्लू जी, ओम भाई जी, आस्था जी, समीर जी, देखिए हमारे जो जो नए नए स्टूडेंट हैं कमेंट जरूर कीजिए, कुछ कीजिए या नहीं कमेंट जरूर कीजिए। हमारे प्यारे स्टूडेंट आप लोगों के लिए हम सब्जेक्टिव भी पढ़ा रहे हैं और अपलोड भी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, कल से मैं दो दो सब्जेक्टिव अपलोड करूँगा, केवल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, दो, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का, केवल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और नोटिफिकेशन नहीं गिरता इसके लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे लास्ट में, ठीक है ना। हाँ, क्या कर रहा है, तो 54 का आप लोग को हो जाएगा आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होना चाहिए, तो निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा तो हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा यानी कि अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, तीन लेंस जिनकी फोकस दूरी दे दिया 20, 31, 160 तो एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो इनके संयोजन का क्या हो जाएगा मान, तो जोड़ दीजिए ये क्या हो जाएगा, ये 60, 80 हो जाएगा, 80 में से 30 घटा दीजिए तो कितना जाएगा 50, यानी कि आप लोगों को 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जोड़ दीजिए ना, जो संयोजन के मतलब क्या हुआ, जोड़ना, तो जोड़ दीजिए प्लस वाला एक साथ माइनस वाला घटा दीजिए, हो गया काम खत्म, 50 आ जाएगा। चलिए सूक्ष्म क्या कर रहा है, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी दोनों, सूक्ष्मदर्शी मतलब होता है माइक्रोस्कोप और दूरदर्शी मतलब होता है दूरबीन, दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप, तो दोनों में से किसके लेंस की फोकस दूरिया में अधिक अंतर होता है, तो दोनों में से किसकी फोकस लेंस में जो है सबसे अधिक अंतर होता है सो पूछा है, तो 57 का दूरदर्शक का यानी कि दूरबीन का, दूरदर्शक बोले तो दूरबीन, बहुत बढ़िया एकदम सबू जी, भोला जी, प्रीति जी, लालू जी, चलिए संतुन पंडित जी, गजब योगेंद्रा जी, बहुत बढ़िया एकदम आप लोग कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहे अरविंद जी, भोला जी, हम तो चाहते हैं कि आप लोग अब की बार भी पिछले साल की तरह फिजिक्स में आप लोग 93+ नंबर लाए, ठीक है ना, 93+ नंबर आप लोग लाए इस बार भी, ठीक है ना। पिछले साल 95 नंबर लाया था स्टूडेंट एक, ठीक है ना, तो आप लोग भी लाइए इस बार भी, हमको आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग लाएंगे, केवल हमारे साथ जुड़े रहिए। केमिस्ट्री में आप लोगों को 92+ नंबर लाना है, क्योंकि पिछले साल 93 नंबर लाया था, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग केवल हमारे साथ जुड़े रहिए। दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा, तो देखिए इसकी प्रतिबिंब की मतलब समझ रहे, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी गई एक प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई लगा ले, 2023 एग्जाम में आप लोग को 100% अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनंत, सीधे बात है, समांतर कह रहा है ना, समांतर कह रहा है तो समांतर कह दिया यानी कि अनंत हो गया, सीधे जैसे समांतर दिखा एकदम अनंत मार देना है। नेक्स्ट, एक आदमी अपने चश्मे के लेंस को घुमाता है, ठीक है, और यह और पता है कि समायोजन नष्ट हो गया, ठीक है, तो यह बताता है कि आदमी पीड़ित है, कौन सा दोष से, बताइए कौन सा दोष से पीड़ित था, बताइए। एक आदमी जो है अपने चश्मे के लेंस को घुमा दिया, ठीक है, घुमा दिया, और यह पता है कि समायोजन नष्ट हो गया, घुमाया तो उसका समायोजन भी नष्ट हो गया, तो आदमी कौन सा दोष से पीड़ित था, तो वह अबिंदुकता था, क्या था, अबिंदुकता यानी कि एस्टिगमैटिज्म। एस्टिगमैटिज्म का उपयोग हम लोग बुढ़ापे में करते हैं, किसमें, बुढ़ापे में, जब आप लोग भी हम लोग दोनों आदमी जब बूढ़ा होंगे ना, अरे जौरे जौरे होंगे, थोड़ा सा हेर फेर में हम लोग थोड़ा सा के उम्र में हेर फेर है, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो हम और आप लोग होइएगा 5 से 6 साल का, समझ रहे हैं ना, 5 से 6 साल का, समझ रहे हैं, एकदम गर्दा मचा देना है। हाँ चलिए तेजी में आप लोग करेंगे, देखिए एक आदमी अपने हो गया वो क्या कहें, जब प्रकाश एक माध्यम के ठीक है, प्रकाश एक माध्यम के दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस राशि में कौन सा परिवर्तित नहीं होता है। जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जब प्रवेश करेगा तो कौन ऐसी राशि है जो कभी भी नहीं बदलती है, तो तरंग दैर्ध्य हमेशा घटिए जाता है, चाल घटिए जाता है, कौन ऐसी राशि है जो नहीं परिवर्तित होती है, कुछ बदलेगा ही नहीं, तो वो आवृत्ति होती है। आवृत्ति कभी भी कोई भी माध्यम से कोई माध्यम में प्रकाश चला जाएगा झुकेगा नहीं पैरला, ठीक है ना, झुकने वाला है ही नहीं। नेक्स्ट, बहुत बहुत वीवीआई, इसमें सभी हमारे स्टूडेंट वीवीआई लगा लेंगे, नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है, सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट वीवीआई लगा लेंगे, जो जो हमारे नए नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सभी लोग, ठीक है ना, तो सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी इसमें वीवीआई लगा लेंगे।
एकदम नाभिक का घनत्व पूछ दिया तो ये होता है 2.29 × 10^17 केजी प्रति मीटर क्यूब। एकदम शानदार आंसर किए, जो भी किए हो आप लोग घमासान मचा दिए हैं, ठीक है ना, घमासान मचा दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा जो भी लाइव क्लास चलता है आप लोग सवेर वाला भी लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, सवेर में केमिस्ट्री चलता है। आप लोग को मैं अभी से दवा करता हूं, यदि आप लोग हमारा पूरा एकदम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल क्लास करते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, खाली उसको उतार लेना आप लोग को कॉपी में सब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव खाली देख करके याद कर लेना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? दृश्य मतलब देखना, आप लोग देखने किसको जाते हैं, बानर को देखते हैं कि ब्रैकेट को कि लवनी को कि पाश्चन को, बताइए। आप लोग कहीं पर भी जाते हो तो किसको देखने जाते हैं, आप ही लोग बताइए। आप लोग कहीं पर भी जाते हैं देखने तो किसको देखने जाते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर सर मारिए दवा का बानर को हम लोग देखने जाते हैं। जहाँ पर दृश्य दिखेगा बानर एकदम मार करके आना है आप लोग को, क्या मार करके आना है, बानर। तो जो जो हमारे डीएसएन बानर मार करके आएंगे एकदम घमासान मचा करके आएंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 10^14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकर्ण ऊर्जा फोटॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, फोटॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी। एकदम एनसीईआरटी बुक का एकदम निचोड़ है ये वाला, एकदम सेम टू सेम, एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का है एकदम, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यही सब क्वेश्चन है। 10^20 फोटॉन्स की संख्या कितना हो जाएगी, 10^20 हो जाएगी। एकदम शानदार आप लोग किए हो हमारे सभी डियर स्टूडेंट, जो भी किए एकदम शानदार किए हो। नेक्स्ट अगला क्या करा है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, कौन ऐसा है जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट आप लोग कमेंट करेंगे और घमासान मचा देंगे 2023 एग्जाम में जा करके, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा है जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है, तो विद्युत क्षेत्र में कौन होती है, तो वो होती है कैथोड किरणें। क्यों कैथोड किरणें क्यों होती है, क्योंकि कैथोड पर माइनस होती है मेरे भाई, कैथोड पर क्या होती है, माइनस होती है। तो जो जो हमारे प्यारे स्टूडेंट कैथोड किरणें किए सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, एक फोटोन की ऊर्जा ई तथा लेमडा टू फोटोन के तरंग दैर्ध्य है, तो लेमडा ई का मान क्या हो जाएगा, तो लेमडा ई का मान क्या हो जाएगा, तेजी में करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये सब पूछने वाला है ये सब क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए एक फोटोन का मान है तो लेमडा ई का मान क्या हो जाएगा, 65 का जो भी हमारे रिएक्शन किया समानुपाती हो जाएगा ई के पावर माइनस वन के, ये दोनों में समानुपाती हो जाएगा ई के पावर माइनस वन का, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक का खोज किसने की थी, सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी एकदम कमेंट करेंगे, ठीक है, एकदम घमासान मचा देना 2023 एग्जाम में जाकर के। नाभिक का खोज किसने की, थॉमसन की, बोर की, रदरफोर्ड की, पॉवेल। तो देखिए हमारे सभी डियर स्टूडेंट का 66 का एकदम करेक्ट आंसर है, जो भी किए 66 का एकदम करेक्ट है, रदरफोर्ड, नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, एकदम शानदार आंसर किए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ध्यान देंगे आप लोग, क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियाँ कौन सी है, नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा ऐसी भौतिक राशि है जो संरक्षित रहती है, कुल आवेश की, रेखीय संवेग की, कोणीय संवेग की, उपरोक्त में सभी। तो देखिए नाभिकीय अभिक्रिया जब भी होता है तो उसमें कुल आवेश भी संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग भी संरक्षित रहता है और कोणीय संवेग भी संरक्षित रहता है। तो जो जो हमारे डिएशन किए ऑप्शन नंबर एकदम गर्दा मचा दिए ऑप्शन नंबर डी वाले सभी हमारे प्यारे विद्यार्थियों का एकदम राइट आंसर। बेबी जी, मिस्टर उज्ज्वला जी, सूरज जी, बहुत बने एकदम शानदार आंसर किए। चलिए मंटू जी, लालू जी, मिथिलेश जी, ऐसे आप लोग को हम चाहते हैं कि आप लोग 2023 एग्जाम में जाकर एकदम घमासान मचा करके आए, ठीक है, और ऐसा ऑब्जेक्टिव करके जाए जो लगे कि एग्जाम हॉल में हम लोग कुछ करके आए हैं, सब समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाभिकीय घनत्व नहीं हो सकता है, कौन ऐसा है जो नाभिकीय घनत्व हो ही नहीं सकता है, रॉकस्टार जी। चलिए आरोही जी तेजी में करेंगे, पंकज जी, लालू जी, साबू जी तेजी में, आदित्य जी चलिए तेजी में, हाँ चलिए। तो यहाँ पर हमारे सभी डियर स्टूडेंट का 68 का आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर है, उपरोक्त में सभी, इसमें से कोई नहीं हो सकता, इसमें से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखिए ये क्वेश्चन आप लोग 69 नंबर VVI लगा लेंगे, 69 नंबर VVI क्या करा है, थैलियम का परमाणु संख्या 90 और द्रव्यमान संख्या 30 है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या तो घटा दीजिए। हम क्या कहे थे एक दिन कि जैसे ही आप लोगों को न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा दोनों को घटा देना है, ऊपर नीचे को घटा देना है।
तो ये क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। हमारे जो भी प्यारे स्टूडेंट किए हो बहुत बढ़िया, एकदम घमासान मचा दिए हैं आप लोग, जो जो हमारे प्यारे स्टूडेंट जो भी हमारे डिएशन किए हैं सभी लोग एकदम गर्दा गर्दा मचा दिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, डिएशन क्या कराए, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाया जाता है कौन सा अपद्रव्य। तो थोड़ा देर पहले मैं कहा था, देखिए पहले हम बता दिए थे कि आप लोगों को एक एन प्रकार एक पी प्रकार, एन प्रकार में आप लोगों को रहता है पांच संयोजक रहता है, ठीक है ना, पांच संयोजक, पी प्रकार में रहता है त्रि संयोजक, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नंबर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। और एन प्रकार में धारावाहक इलेक्ट्रॉन होता है, पी प्रकार में धारावाहक क्या होता है डियर स्टूडेंट, उसमें होता है मुक्त धारावाहक, क्या होता है होल या छिद्र होता है, होल या छिद्र होता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो जो जो हमारे डियर स्टूडेंट यदि आप लोग भी चाहते हैं हमारे स्टूडेंट की तरह 2023 परीक्षा, ठीक है ना, 2023 परीक्षा में अगर आप लोग भी चाहते हैं कि 90 प्लस स्कोर हमारे स्टूडेंट के तरह आप लोग भी लाने के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक पीडीएफ नोट्स ले लिए हैं, यदि आप लोगों ने नहीं लिए हैं तो आप लोगों को मैं दावा करता हूं कि 400 से लेकर के 450 के बीच आप लोगों को नंबर झुकेगा नहीं, ठीक है ना, नंबर झुकेगा नहीं। और मैं इतना गारंटी देता हूँ कि 100% आप लोगों को क्वेश्चन टक्कर देगा, 100% आप लोगों को क्वेश्चन टक्कर देगा 2023 परीक्षा में, एक भी क्वेश्चन उससे झुकेगा नहीं। केवल आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही चीप एंड बेस्ट में आप लोगों को हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, मात्र 199 रुपया में आप लोगों को, मेरा ये गूगल पे या फोनपे का नंबर है, आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा चीप एंड बेस्ट में। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोगों को पूरा एकदम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टोटल मिल रहा है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टोटल मिल रहा है हमारे डियर स्टूडेंट। तो चलिए आप लोग कमेंट करेंगे कि बताइए 70 में से किसका कितना करेक्ट हुआ, और एक एक लाइक कर देंगे सभी हमारे डियर स्टूडेंट, सभी लोग एकदम हाँ। चलिए 35 बेबी बुआ इमरान जी का 35 सही हुआ, चलिए बहुत बढ़िया है। 50 रॉकेस्टियर जी का, चलिए सब लोग कमेंट करेंगे, और जिनको जिनको पीडीएफ नोट्स लेना है सभी लोग एकदम कमेंट करेंगे, और सभी लोग एकदम पीडीएफ हैंड नोट्स लीजिए, और 100% एकदम ट्रक्कर का एकदम चैलेंज मैं देता हूँ, ठीक है ना। जितना आप लोगों को बनाना है उससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को टक्कर देगा। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं है, पंकज जी का 50 है, श्वेता झा के आप 65 है, और मंटू जी, चलिए संतू जी का 60 है, शुभम जी का है 64, आदित्य जी का 45, चलिए बहुत बढ़िया, अर्चना जी का, चलिए एकदम, दीपक पटेल का है 50, चलिए जिसका जिसका एवरेज जो है एवरेज 35 प्लस है सभी का एकदम ठीक है, ठीक है ना, 35 प्लस वाला का सभी का ठीक है। तो जो जो हमारे डियर स्टूडेंट अभी तक पीडीएफ नोट्स आप लोग नहीं लिए हो आप लोग 100% लीजिए, आप लोग को टक्कर का मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना, टक्कर का एकदम 110% मैं गारंटी देता हूँ। तो सभी लोग एकदम पीडीएफ नोट्स लीजिए, 199 रुपया में अभी ऑफर में चल रहा है, ऑफर में चल रहा है अभी आप लोगों को, ठीक है ना। और एक जनवरी से हम लोग बेचना बंद कर देंगे, एक जनवरी से केवल पढ़ाएंगे उसी पीडीएफ से, उसी पीडीएफ को हम लोग पढ़ाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी को पढ़ाएंगे, जो जो व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हुए पीडीएफ लिए हैं सभी को व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो भी लाइव क्लास कराया जाता है सभी को भेज दिया जाता है एकदम। यस यस शुभम जी, ये व्हाट्सएप ग्रुप पर चला जाएगा पीडीएफ, व्हाट्सएप ग्रुप पर जो भी लाइव क्लास कराया जाता है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ दिया जाता है, 5 प्रैक्टिस सेट, और जो भी लाइव क्लास हम लोग कराते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का उसका जो है पीडीएफ हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। तो उन्हीं विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जा रहा है जो जो पीडीएफ नोट्स लिए हैं सो, ठीक है। चलिए विक्की जी, जय श्री राम, चलिए अभिमन्यु जी, चलिए हाँ। तो जो जो हमारे प्यारे स्टूडेंट हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं लिए हो सभी लोग एकदम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, और 100% मैं गारंटी देता हूँ, मात्र 199 रुपये आप लोग को है। अगर 6 सब्जेक्ट में गुना कीजिए 40 से तो 240 रुपया पड़ता है, 40 रुपया भी एक सब्जेक्ट का नहीं पड़ेगा, 6 का 6 सब्जेक्ट आप लोगों को मात्र 199 रुपया। अगर आप लोग आज के डेट में 199 रुपया में अगर ले लेते हो तो कल के डेट में आप लोग कहिएगा कि यस सर हम 199 रुपया लगाए हैं कोचिंग में, हम तो इतना पैसा खर्च कर दिए थे, ठीक है ना, 199 रुपया हम लगाए हैं, एकदम गर्दा मचा दिए हैं सर आप ही का पीडीएफ से, समझ रहे हो। केवल पढ़ने की आवश्यकता है, यदि इस माह में नहीं लेते हो तो अगले माह में आप लोग गलबला जाएंगे, ठीक है ना, अगले माह में आप लोग गलबला जाएंगे। आप लोगों को 199 रुपया लग रहा है, और 100% एकदम मैं गारंटी देता हूँ आप लोग को लड़ने का, ठीक है ना, एकदम आप लोगों को 80% से लेकर के 90% के बीच में आप लोगों को नंबर झुकेगा नहीं, लेकिन टक्कर का मैं गारंटी देता हूँ 100 में 100 क्वेश्चन एकदम लड़ेगा। 100 में 100 मतलब क्या हुआ, जितना बनाना है उतना आप लोगों को लड़ जाएगा, जितना बनाना है उतना आप लोगों को लड़ जाएगा, ठीक है। हाँ 8 बजे एक क्लास चलेगा आप लोग को हिंदी का, कि इंग्लिश का लगा दे, आज इंग्लिश करा देते हैं, ठीक है ना, आज इंग्लिश करा देते हैं 8 PM में, 8 PM में आज इंग्लिश कराएंगे, आज इंग्लिश का क्लास चलेगा।
हाँ, एकदम वायरल क्वेश्चन अभी कहाँ से आएगा प्यारा, वायरल क्वेश्चन इतना जल्दी कहाँ से आ जाएगा, अभी वायरल होता है क्वेश्चन, वायरल होगा तब देखा जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में कहाँ जोड़ रहे हैं। हाँ एकदम धर्मपाल जी, बात ही मैथ का जो है ना सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आप लोग को मिल जाएगा, 2 से 3 जनवरी को मिल जाएगा, क्योंकि उसी पर हम लोग लगे हुए, फेकू चीज़ दे देंगे तो बेकार ना हो जाएगा। अरे पढ़िए वही चीज़ जो आपको एग्जाम में आए, समझ रहे हो ना, पढ़िए वही जो आप लोग को एग्जाम में आए, समझ रहे एलोन बॉय जी, पढ़ना वही है अभिमन्यु जी जो एग्जाम में आए, क्योंकि बहुत सारा एकदम बुक एकदम रख लिए सभी लोग, टाल कर लिए हैं, हम जो दे रहे हैं उसको एकदम आप लोग एकदम पूरा एकदम फुली तैयारी कीजिए, एकदम गर्दा मचा करके आइएगा एग्जाम हॉल में। तो आज इंग्लिश करा दे क्लास, ठीक है ना, इंग्लिश, चलिए इंग्लिश का क्लास करा दे, चलिए आज जो है 8 बजे वाला में इंग्लिश का क्लास लेकर के आ रहा है, ठीक है ना, 8 बजे वाला में। तो चलिए हमारे डी स्टूडेंट एक एक लाइक कर दे, मात्र आप लोग 20 लाइक आए उधर कर दे, 250 लाइक चला जाएगा, 20 लाइक आप लोग सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट, चलिए हाँ चलिए बेबी बॉय इमरान जी, अरे अभी तो शुरुआत है ना, इस माह का अभी तो शुरुआत है, केवल आप लोगों को जो है गर्दा मचाना है, तो अभी तो शुरुआतें है, देखिए 1 महीना आप लोग हमारे साथ खाली जुड़ जाइए बस, उसके बाद हम फरिया लेंगे सबसे, समझ रहे, ऑब्जेक्टिव से फरियाना है तो हम फरिया लेंगे। देखिए ऐसे आप लोगों को अगर PDF नहीं लेना है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो जो ले चुके हैं बहुत बहुत एकदम वेलकम है, और सभी को एकदम जय जय है, जो जो PDF नोट्स ले लिए सभी के लिए जय जय है, ठीक है ना, मात्र 199 रुपया ऑफर में हम लोग अभी कर चुके हैं, लेना है सो लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 जनवरी से हम बेचना भी बंद कर देंगे अभी, क्योंकि आप लोग कहेंगे सर 1 जनवरी से क्यों बेचना बंद कर दीजिएगा, इसलिए बेचना बंद कर देंगे, क्योंकि अब पढ़ेगा क्या, जब 1 जनवरी के बाद लेकर के क्या करेगा, कोई लेकर के क्या करेगा, पढ़वे नहीं करेगा, हलवला करके कितना सब्जेक्ट पढ़ेगा, 1, 2, 3, 4, इसीलिए 1 जनवरी के बाद हम लोग बंद कर देंगे बेचना, ठीक है ना, PDF। तो जो जो लेना चाहते हो अभी भी आप लोग को ऑफर मैं दे चुका हूँ 199 रुपया का, ठीक है, 199 रुपया का। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं गूगल या क्रोम पर, हम लोग बिहार बोर्ड से जुड़ा हुआ एक एक न्यूज ले लेते हैं, सेंटर लिस्ट के बारे में या क्या चीज़ के बारे में। हाँ चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आप लोग को, आ जाना है गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर हमारे सभी डी स्टूडेंट, और यहाँ से आप लोग न्यूज देख लेना है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग को सर्च कर देना है आप लोग को गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर, गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आप लोग को सर्च कर देना है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आप लोग को सर्च कर देना है, ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना, इस पर क्लिक कर देना है, तो इस पर हम लोग क्लिक कर दिए, ठीक है ना, गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आकर के सर्च कर देना है, उसके बाद आप लोग को देखिए, आप लोग को मैं पूरा एकदम अच्छी तरह से बता देता हूँ, उसका नीचे की ओर ऐसे स्क्रॉल करना है, जैसे आएगा आप लोग देखिए ध्यान से, ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आप लोग आ जाना है न्यू अपडेट में, कहाँ जाना है न्यू अपडेट में, न्यू अपडेट में हम लोग आ गए, न्यू अपडेट में आप कट कर देना है, और कट करने के बाद आप लोग को सबसे ऊपर में आएगा सेंटर लिस्ट कैसे चेक करें, कैसे चेक करें, इसी पर कल जरा पानी लेना, कैसे चेक करें, तो ऊपर की ओर जाना है, ऊपर की ओर और देखिए यहाँ पर आप लोग को देखिए यहाँ पर दे दिया गया अचानक हुआ जारी, सेंटर लिस्ट करें डाउनलोड, ठीक है ना, इंटर परीक्षा के लिए प्रदेश में 1471 केंद्र, ठीक है ना, NIOS की परीक्षाओं में अप्रैल में होगा, यानी कि बिहार बोर्ड का जो इंटर परीक्षा 1471 NIOS के जो है अप्रैल में होगा, यानी कि जो बचा हुआ एग्जाम है, जो बचा हुआ रहेंगे, तो इस बार जो है दो दो परीक्षा होगा, एक होगा आप लोग को फरवरी में, एक होगा अप्रैल में, जो बचा हुआ रहेगा उसको अप्रैल में परीक्षा होगा, याद रखेंगे, ठीक है ना, तो सेंटर लिस्ट आप लोगों को परीक्षा केंद्र जो है आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को पूरा जानकारी दे दिया गया, आप लोग पढ़ लेंगे, और लिंक यहाँ पर नीचे दे दिया गया सभी चीज़ों का, ठीक है ना, डाउनलोड नहीं होगा तो आप लोग को ऐसा इंटरफेस दिखेगा, क्लिक कर लेंगे, तो आप लोग फटाफट आइए, देखिए कैसे आना है, ऐसे हम बताए थे फिर से, क्या करना है, गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, आप लोगों को स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोगों को सर्च कर देना है, ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है, इसी पर क्लिक करना है आप लोगों को, अलग नहीं, तो हम लोग इस पर क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे तो हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट ऊपर की ओर आना है, और देखिए यहाँ पर न्यू अपडेट पर क्लिक करना है, न्यू अपडेट पर देखिए हम लोग क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पर ऐसा आएगा परीक्षा केंद्र, इसी पर क्लिक कर देना है, देखिए हम लोग इस पर क्लिक कर दिए परीक्षा केंद्र पर, ऊपर की ओर आना है, ऊपर के देखिए यहाँ पर सभी जानकारी दे दिया गया, अचानक हुआ डाउनलोड शुरू, तो यहाँ पर आप लोग को आ जाना है, कैसे कैसे डाउनलोड करना है, टोटल पहले पढ़ लेना है, जो जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं उनको उनको डाउनलोड होता ही नहीं, क्योंकि तरीका दिया हुआ रहता है, और जब डाउनलोड नहीं आएगा तो ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर लेंगे, तो चलिए हम पूरा जानकारी बता दिए कैसे कैसे आना है, तो सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट चलिए हाँ
चलिए तो अगला क्लास हम लोग आज इंग्लिश का करेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश का क्लास आज हम लोग कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गया इंग्लिश का क्लास लिया हुआ, ठीक है। तो चलिए इतना ही, पर बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना ही पर जय हिंद जय भारत। आइए फटाफट, दो मिनट का टाइम दीजिए आप लोग, मात्र दो मिनट आप लोग यहाँ पर आकर के टाइम दीजिए। सभी हमारे डिस्टेंस से एकदम आग्रह है कि दो मिनट आइए यहाँ पर, आप लोग एक लाइक कर दीजिए, दो मिनट आइए एकदम सर्च करके न्यू अपडेट में। चलिए इतना ही, पर बेस्ट ऑफ लक, एक लाइक करें, शेयर करें, बेस्ट ऑफ लक।